राजस्थान से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो MSPC है, 1000 शेयर है 99 रुपए के भाव से, तो मैडम मैं इसको 6 महीने तक रख सकता हूँ क्या? ओके, तो 6 महीने का नजरिया सर इनका है, क्या रहेगी आपकी राय सर 6 मंथ्स के लिए? सर दूसरा स्टॉक है NHPC 99 की खरीद, आज ही लिया है। नहीं, अगेन एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इन्होंने आज ही खरीदा है, और सरकार का जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है, हाइड्रो पावर जनरेट करने वाली, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा तो होल्ड करना चाहिए, और आने वाले बजट पे भी रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा फोकस रहेगा, तो बोथ NHPC एंड SJVN वुड डू वेल। अब गोइंग फॉरवर्ड किस प्रकार का व्यू बन रहा है गिवन द फैक्ट कि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, चार्ट्स पे आपको क्या पसंद है? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि NHPC, NTPC ये सभी कंपनीज में चार्ट सेटअप तो पॉजिटिव है, काफी टाइम से हमने देखा है कि फॉलो अप भी आता है ये सभी स्टॉक्स में, और ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पास ट्रेड हो रहा है। NTPC मेरा मानना है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और थोड़ा करेक्शन भी हो चुका है रिसेंटली, हाई से करीबन हाई 393 का था, 393 का हाई था 3 जून को, और आज हम 364 पैसेंट के पास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट है वीकली एवरेजेस पे अभी, और नीचे में डाउनसाइड मेरा मानना है कि प्रोटेक्टेड है और लिमिटेड लग रही है फिलहाल, तो जब तक 350 का लेवल होल्ड हो जाता है NTPC में तो ये स्टॉक में व्यू पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर में हमें वापस 390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और अगर ये जैसे आपने कहा कि बजट में जो अनाउंसमेंट हो सकती है तो ये स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिखाने। ओके, चलिए, तो पावर स्पेस पर तो नजर रहेगी ही इस खबर के तहत, NTPC खासतौर से रखे रेडार पर, 390 तक जाने की क्षमता चार्ट्स पर भी दिखाई दे रही है। एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के IPO पर फोकस कर